कयामत के दिन सबसे पहले जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे वो हमसाए होंगे। उलमा ने कहा इसका क्या मतलब? हदीस में तो आता है कि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और एक हदीस में आता है सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा। तो ये हुआ कि सबसे पहले दो शख्स जो खड़े होंगे वो हमसाए होंगे। तो कहा कि इबादात में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और मुआमलात के अंदर सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा, और तीसरी बात इरशाद फरमाई अखलाक में सबसे पहला मामला जो कयामत के दिन सामने आएगा वो अखलाक का होगा। और वो दो हमसाए, अगर एक हमसाए का दूसरे के साथ रवैया ठीक नहीं था तो वो हमसाया कयामत के दिन खड़ा हो जाएगा, कहेगा मालिक ये मेरा हमसाया था और इसने मेरे साथ रवैया ठीक नहीं रखा।